ये हमारा कार्निवल का 19वां संस्करण है और मैं बस संक्षेप में आपको एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ कि आपको अपनी नजरें खोल कर रखनी चाहिए, कब जिंदगी किस तरफ करवट ले किसी को पता नहीं। मछलीघर को जब मैंने लिया था तो ये सरकार के नियंत्रण में थी, बहुत जर्जर स्थिति में थी। एक दिन मैं बारिश से बचने के लिए इस रास्ते में जब जा रहा था तो मैं मछलीघर में पड़ा रहने पहुंच गया और मुझे लगा कि शायद इसे एक अच्छी जगह के रूप में तब्दील किया जा सकता है। मैंने प्रस्ताव सरकार को दिया और सरकार ने उसे माना। तो अगर उस दिन बारिश नहीं हुई होती और मैं यहाँ नहीं आता और मैं ये नहीं सोचता तो शायद आज हम और आप आमने सामने नहीं होते। सो ऑलवेज कीप योर आईज ओपन, कब किस्मत किस तरफ आपको ले जाए कभी किसी को पता नहीं होता। और हमारा ये कार्निवल का कारवां इसी तरीके से लगातार चलता रहा है। मेरी माँ आज हमारे बीच नहीं है, मेरे पिता हमारे बीच नहीं है, पर उन दोनों का योगदान बहुत रहा इस जगह में। मुझे याद है कि शुरुआत के 3 महीने में जब मैं निराश हो गया था, जब ये उतना चल नहीं पा रहा था, तो मेरी माँ एक गृहिणी थी। वो घर का काम निपटा कर रिक्शे से वो पूरे कैंटीन का सामान समोसा वमोसा बना कर लाती थी, छानती थी, मेरा हेल्प करती थी, मेरा हिम्मत बढ़ाती थी। माँ तुम कहीं भी हो, आज ये जगह अगर हम चला पा रहे हैं तो तुम्हारी आशीर्वाद के कारण। मुझे लगता है माता पिता का आप लोगों को भी हमेशा स्नेह और आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि जब वो नहीं रहते हैं तब इसकी आपको ये जागृति होती है कि आपने क्या खोया। बहरहाल अगले 6 दिनों तक सभी वर्गों के लिए धूम धड़ाका रहेगा, मस्ती उमंग का उत्सव रहेगा, सभी ग्रुप सभी बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन रहेगा, फैंसी ड्रेस से लेकर जो किड्स फैशन शो है वो होगा, बच्चों के लिए आउटफिट कॉम्पिटिशन होगा, बड़ों के लिए फैशन शोज होगा, बड़ों के लिए लेडीज के लिए विशेष इंतजाम है कम समय में मेकअप करना। मुझे लगता है ये मुश्किल काम है लेकिन लेडीज कर लेगी। बेस्ट पायल, बेस्ट झुमका, यानी पूरे तरीके से लाइव बैंड, ऑर्केस्ट्रा, मिस केसरिया, मिस्टर केसरिया, मिस ड्रीम गर्ल, सबका चुनाव होगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि उस ग्रुप को हम मनोरंजन दे सके 9 वर्ष पर, जो क्लब नहीं जा पाता है, जो कम खर्च में अपना मनोरंजन कर पाता है, मैं मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं, उनके लिए अगले 6 दिनों तक 28 से 2 तक पूरे फुल नॉन स्टॉप मस्ती का इंतजाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आभारी हैं अपने सभी स्पॉन्सर्स का। कार्निवल का मूड होता है, फेस्टिव मूड होता है कि अरे भाई नया साल आ रहा है, पुराना साल जा रहा है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, सर्द पड़ रही है, तो बच्चों का उमंग भी रहता है जो, और बच्चे जाना चाहते हैं, आउटिंग में भी जाते हैं। तो प्रतुल सहदेव जी जो लगातार 19 वर्षों से ये कार्निवल करते हैं, ऐसा हम दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में देखते हैं कि बहुत जगह होता है, किंतु 19 साल पहले जो प्रतुल सहदेव जी ने जो सोच रखी, आज 19 साल का कारवां बढ़ गया है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो होटल नहीं जा सकते, महंगे होटल्स, जो क्लब नहीं जा सकते, उनके बच्चे फील नहीं करें। हमारे फ्रेंड्स तो देखो रांची क्लब जा रहे हैं, बड़े महंगे महंगे होटल जा रहे हैं, हम कहाँ जाएं? तो वो जो मिडिल क्लास फैमिली है और वैसी फैमिली है, उसके लगेगा ना हम तो मछलीघर जा रहे हैं, और मछलीघर जा रहे हैं वहाँ मस्ती करेंगे और शहर के बीच में है, आप स्कूटर से आ जाओ, आप बाइक से आ जाओ, आप गाड़ी से आओ, और इधर अगल बगल के तो लोग मस्ती करते पैदल चले आते हैं। हर्ट ऑफ द टाउन में यह मछलीघर व्यवस्थित तौर पर चल रहा है। तो बच्चों अभी जो बच्चों ने अपना कल्चर प्रोग्राम पेश किया तो उन बच्चों को मोटिवेशन होता है, एक ओपन स्टेज पे अपना प्रदर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। तभी हमने कहा कि हम तो सांस्कृतिक महोत्सव हमने जब पिछले साल कराया था तो हमने देखा तो कैसे 4000 बच्चे पूरे रांची लोकसभा से आए थे, कितना मज़ा, कितना फेस्टिव मूड था, लग रहा था कि हाँ हम आ गए। तो अगले साल जब मैं कराऊंगा मई जून में, तो ऐसे बच्चों को प्रमोट करना, उनको एक मंच देना, स्टेज देना। तभी हमने आज कहा है कि जो बच्चे 2 जनवरी 2024 तक जो बच्चे यहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे, जो भी कल्चर प्रोग्राम करेंगे, उनको सांसद सांस्कृतिक एक प्रशस्ति पत्र देंगे, ताकि उनको लगे हाँ हम गए थे, हम तो मस्ती करने गए थे, लेकिन वहाँ तो मोदी जी का एक फोटो लगा हुआ, हमको सर्टिफिकेट मिला है, तो लाइफ टाइम रखेंगे, यादों को मोदी जी का सर्टिफिकेट मिला है। तो एक प्रमोशन होगा, एक उनको मोटिवेशन होगा। तो ये हमने आज रखा है और प्रतुल सहदेव जी का काम इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया है।